मशहूर है जमाना, यूसुफ भाई के पास आए हैं। बजट कैमरास, ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है कि भाई हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई ऐसा कैमरा बताएं जो बहुत सस्ता हो और उससे सारे काम हो जाएं। तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि भाई कैमरा कोई भी हो उसमें दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक फ्लिप आउट स्क्रीन और दूसरा बैटरी टाइम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सबसे पहले तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है। बात हो रही है बजट कैमरा की, तो एक ज़माना था जब कैमराज बहुत एक्सपेंसिव थे, मतलब कि दो टाइप के कैमरा आते थे, हाई एंड प्रोफेशनल कैमराज और कंज्यूमर लेवल कैमराज। हाई एंड प्रोफेशनल कैमराज की औकात नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और कंज्यूमर लेवल कैमराज की क्वालिटी कोई इतनी फारिक थी, इतनी कचरा कि प्रोफेशनल काम करने का सिर्फ सोच सकते थे, होता नहीं था। अल्लाह भला करे सोशल मीडिया का, व्लॉगर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स का, कि जिन्होंने एक न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करवाई, कंपनीज भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि भाई एक थर्ड लाइन भी बनानी पड़ेगी कैमराज की, क्योंकि इस मार्केट को भी टारगेट करना है। तो पहले तो $1,000 से कम में बात बनती नहीं थी, $1,000 साइड में करना पड़ता था तब चलती थी व्लॉगिंग की गाड़ी, लेकिन अब $500 के अंदर भी एक अच्छा कैमरा मिल जाता है जिसमें हाई एंड प्रोफेशनल कैमराज के फीचर्स होते हैं और उसकी प्राइस कंज्यूमर लेवल कैमरा वाली है। तो अगर बजट इससे भी कम है ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप फ़ोन पे बनाओ। लेकिन अगर फ़ोन पे बना बना के तंग पड़ गए हो और अब प्लान है अपग्रेड करने का, तो यार $500 तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी नज़र के अंदर दो कैमराज ऐसे हैं जो इस टाइम पे बेस्ट है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, एक है कैनन M50 और दूसरा है पैनासोनिक G7। इन दोनों कैमराज के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, फ्लिप आउट स्क्रीन भी है और बैटरी टाइम भी अच्छा है। अब ये दो चीज़ों की मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई जब व्लॉगिंग करने लगते हो ना और कैमरा के सामने खड़े होते हो तो तुम देख रहे होते हो लेंस को और लेंस देख रहा होता है तुम्हें, आँखें हो जाती हैं चार, हो जाता है प्यार, और तुम जाके जब फुटेज देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि लेंस तो तुम्हें देख ही नहीं रहा था, तो बड़ी मायूसी होती है। तो इसलिए फ्लिप आउट स्क्रीन होना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप फ्रेम में हो भी या नहीं। दूसरी चीज़ है बैटरी टाइम, आप गए हो रिमोट एरिया पे शूट करने, व्लॉग बन रहा है, हिरने दिखा दी, झरने दिखा दिए, पहाड़ दिखा दी, हरियाली दिखा दी, और जब अल्लाह हाफिज़ बोलने का टाइम आया तो कैमरा हो गया बंद, चलो घर, व्लॉगिंग हो गई ख़त्म। तो इसलिए ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। अब इसका ऑल्टरनेट ऑब्वियसली है, एक्स्ट्रा बैटरीज ले ली, एक मॉनिटर खरीद लिया, लेकिन भाई फ्री तो नहीं मिल रहा ना, पैसे लगेंगे। तो बात हो रही है एक ऐसे कैमरा की कि जिसमें एक्स्ट्रा पैसे ना लगाने पड़े और आपका काम अच्छा चले। तो इसके अलावा इसमें क्या फीचर्स हैं वो सुनो। कैनन M50 24 मेगापिक्सल कैमरा, एक्सटर्नल माइक्रोफोन इनपुट है, डिजिटल 3x इमेज स्टेबलाइजेशन है, APS-C सेंसर है, USD 4K शूट करता है 24 FPS पे शूट करता है, फुल HD 60 FPS पे शूट करता है। इसका माउंट है कैनन EFM, ये नया माउंट आया है कैनन के, जब मिररलेस कैमराज आए थे तो उसमें ये नया माउंट आया, तो इसमें EF माउंट का लेंस नहीं लगेगा। तो ये तो हो गए कैनन M50 के फीचर्स। अब बात करते हैं पैनासोनिक G7 की, उसमें है एक्सटर्नल माइक्रोफोन इनपुट, उसमें भी है, उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, माइक्रो फोर थर्ड उसका सेंसर है, 16 मेगापिक्सल कैमरा है, USD 4K शूट करता है 24 एंड 30 FPS, फुल HD 60 FPS। भाई कैमरा की बात हो रही है और अगर कैमरा नहीं दिखाऊंगा ना तो फिर तुम लोग मैसेज कर बोलोगे यार कैमरा तो दिखाई नहीं, खाली फीचर्स बताते, इसलिए हम मशहूर ज़माना यूसुफ भाई के पास आए हैं कि यूसुफ भाई हमें कैमरा दिखा दें। यूसुफ भाई आपके पास कैनन M50 और G7 पैनासोनिक का है, दिखाएं ज़रा, ऑन हैंड रिव्यू भी हो जाए थोड़ा सा।
पैनासोनिक हैंडल कौन कर रहे हैं आप? ये हम लोग कर रहे हैं गोल्डन कैमरा। पैनासोनिक लेना है तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। फ्लिप आउट स्क्रीन है इसके अंदर, बैटरी तो चार्ज नहीं होगी इसकी, होगा ऑन करके देखते हैं बैटरी चार्ज है। दो चीज़ों की बात हुई थी, एक तो कैमरा के अंदर बैटरी टाइम अच्छा होना चाहिए और दूसरा फ्लिप आउट स्क्रीन होना चाहिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और इसका वेट और साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त है। अब हम हमें दिखाएँ दूसरा भाई ज़रा कैमरा N50 दिखाएँ। अच्छा ये बात है, अभी इसके बाद कहाँ आने वाला? इसकी बैटरी में पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो होती है इसकी। अच्छा बैटरी चार्ज नहीं है, यानी वो फॉर्म फैक्टर ही दिखाना है मेनली। ये है यहाँ भाई दोनों, ये है G7 और ये है कैनन M50, दोनों 4K कैमराज हैं। ये साइज़ में छोटा है, थोड़ा सा लाइट वेट भी है, ये थोड़ा सा वेट में मुझे ज़्यादा लग रहा है हाथ में पकड़ के, बट ये हाँ ये बहुत ही ग्रिप जो है ना छोटी ग्रिप है इसकी, तो जिन लोगों को छोटे कैमराज समझ आते हैं उनके लिए ये ग्रिप अच्छी है। अदरवाइज़ DSLR लाइक ग्रिप अगर पसंद है तो फिर ये कैमरा की ग्रिप ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे तो। अब असली बात पे आ जाते हैं, यूसुफ भाई है कितने का ये G7 की प्राइस बताएं? ये है 92,000 का, 92 ज़्यादा बता रहे हैं वैसे तो कहीं पुराने रेट थे 89 के थे ना, डिस्काउंट हो जाएगा इस पर रेन भाई के नाम तो हो जाएगा भाई। $500 की बात हुई है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर डिस्काउंट का है तो फिर ये समझ आ जाएगा। समझ लें कि 89 तक होगा, उससे नीचे नहीं आएगा क्योंकि इसके प्राइस डॉलर स्विच हुआ है ना, इसमें प्राइस ऊपर गए। लेकिन भाई लेने आओगे तो फिर वो बात कर लेना इनसे खुद, सही है ना, वो कर लेंगे, यूसुफ भाई के साथ मसला नहीं है। इसकी बताएं प्राइस? ये है 1,16,000 का। अच्छा नहीं बल्कि मार्क टू ने फॉर ये 1.10 है। हाँ ये नहीं, ये 2 है या 1 है? सादा है, 1 है ना, मार्क 1 है ये, कि मार्क 1 है, 1.10 का ये, ये 1.10 का है, लेकिन ये ऑफिशियल वारंटी वाला है। हाँ MBM। अच्छा ये दोनों लेंस के साथ आ रहे हैं या लेंस के साथ आ रहे हैं? और इसके साथ कोई चीज़ नहीं आती, लेंस और बॉडी और बैटरी वगैरह जो भी सामान होता है भाई, ये दोनों जो है कैमराज किट लेंस के साथ ही आते हैं। इसके खाली बॉडी मिल सकती है नहीं मिल सकती? खाली बॉडी मिल जाएगी, 5,000 तक का लेंस आपका लेस हो जाएगा। नहीं तो फ़ायदा नहीं है ना, फिर किट लेंस के साथ ही ले तो ज़्यादा बेटर है। ये फाइनल कितना हो जाएगा ये? ये असल में इसमें विदाउट वारंटी पड़ा हो वो है आपका 99,000 पीस का, लेकिन इसकी वारंटी नहीं होगी। सही है, ये जो हम देख रहे हैं ना ये ऑफिशियल वारंटी है, ये जो लोग आजकल देख रहे हैं ना ये MBM है, ये भी 1 ईयर वारंटी है, ये 18 मंथ है, ये 18 मंथ। अच्छा ये 1 ईयर से ज़्यादा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 1+6 है। अच्छा 1+6 के अंदर आपको ये फ़ायदा हो रहा है, जब कोई भी यूज़र अगर जब इसको लेता है ना, हाँ ये बारकोड दिया हुआ है। सही है, अब इस बारकोड से ये फ़ायदा है कि आपने खाली मोबाइल से बारकोड मारना। सही है, ये पूरे एक आपकी ईमेल आ जाएगी, उसमें आप लोग ये फॉर्म फील करते हैं, फॉर्म फील करते हैं, 6 मंथ आपको वारंटी मिलेगी। इसकी 18 महीने की वारंटी है कैनन M50 की, और पैनासोनिक G7 की 1 ईयर की वारंटी है। और प्राइस में भी डिफरेंस है, वो अराउंड 1 लाख तक का है और ये 85-90 तक की बात चल रही है, बाकी तुम लोग खुद आके देख लेना। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे चेक किया तो $500 की करीब आ रहे हैं, बट बाकी प्राइस कम वम अगर करवानी हो तो यूसुफ भाई से आके खुद बात कर लेना। हाँ यार, यूसुफ भाई के पास से होके आ गया हूँ और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि फाइनल रिव्यू देने से पहले मैं कैमरा हाथ में पकड़ के देखूँ कि कैमरा क्या कह रहा है। तो कैमरा ये कह रहे हैं दोनों के दोनों में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो मेरे हिसाब से कैनन M50 और G7 में ऑटो फोकस में दोनों कैमरा ही फारिग हैं 4K में, क्योंकि कैनन का सुना तो ये था कि ऑटो फोकस बहुत अच्छा है और होता है उसके कैमराज का अच्छा, लेकिन अजीब सी बात है कि इस कैमरा के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है 4K में, वो बिल्कुल G7 जितना ही परफॉर्म कर रहा है और 1080 में बहुत अच्छा है। तो आप एक 4K कैमरा ख़रीद रहे हो और उसको 4K में शूट नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या? तो इसलिए ऑटो फोकस दोनों का नॉर्मल है। उसके अलावा 4K पे आप शूट कर रहे हो तो G7 में कोई क्रॉप नहीं लग रहा है, लेकिन कैनन M50 में 1.6 का क्रॉप लग रहा है। तो आप अगर किसी फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हो और 1080 पे और आपने एकदम शिफ्ट किया 4K पे तो वो फोकल लेंथ कम कर देगा, मतलब आप 14mm पे शूट कर रहे थे और एकदम वो अचानक आपको 18mm पे शूट करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी अजीब लगी मुझे कि 4K का क्रॉप लग रहा है उस पर। उसके अलावा एक चीज़ कैनन M50 की मुझे उससे बेटर लगी पैनासोनिक से, कि पैनासोनिक G7 के अंदर 120fps है ही नहीं, किसी भी रेजोल्यूशन पे नहीं है,
और कैनन M50 में 720 पे 120 FPS है, मतलब आप 120 FPS अगर शूट करना चाहते हो तो ऑप्शन एटलीस्ट उसमें है 720 पे। उसके अलावा इमेज स्टेबलाइजेशन पे मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था कि G7 में नहीं है और कैनन में है इस प्राइस रेंज में, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है कि वो, मुझे पता था डिजिटल तो है लेकिन इतनी हल्की है ये नहीं पता था। उसमें मैंने यूज़ करके देखा है तो उसमें थोड़ा सा वॉबली इफ़ेक्ट है, तो यूज़ेबल नहीं है वो चीज़। तो उससे बेटर है कि आप ऐसा कोई कैमरा ले लो जिसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन ना हो और कोई और दो तीन अच्छे ऑप्शंस हों। तो इसके अलावा क्या था, एक मोबाइल में लिखी हुई है लिस्ट। और हाँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप कैनन M50 पे में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लेंजेज हैं महंगे और ऑप्शंस हैं कम, और अगर आप पैनासोनिक G7 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो माइक्रो फोर थर्ड के लेंजेज के ऑप्शन हैं बहुत ज़्यादा और वो हैं सब सस्ते। तो जहाँ पे आपको सेम फोकल लेंथ सेम अपर्चर का कैनन M50 के लिए लेंस मिलेगा $250 का, वहीं पे आपको G7 के लिए $150 के अराउंड लेंस मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी एक प्लस पॉइंट है कि आप माइक्रो फोर थर्ड में इन्वेस्ट अगर करते हो तो। भाई ये थे मेरे इन दोनों कैमराज के ऊपर रिव्यूज़। तो पैसे हैं तुम्हारे, कैमरा लेना है तुम्हें, तो कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे, वैसे तो मुझे लेना नहीं है, ये बजट कैमराज हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं कभी बजट कैमरा लेता तो मैं पैनासोनिक G7 लेता, क्योंकि ये पैसों में है हल्का और काम में है तगड़ा। प्राइस रेंज में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा हो तो यूसुफ भाई को जाके घेरो, थोड़ा सा कहानी चलाओ, उनके ऊपर आ जाते हैं बातों में, तो उनसे पैसे कम करवा लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।